कहा था तू इतने दिन से गायब है, दिखाई नहीं दिया, नहीं बोला थे, बॉयकॉट कर दिया तेरे को। अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत खुशी है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहली बार ऐसा होगा लोग दो बार तीन बार देख रहे हैं, और फैमिली ऑडियंस जिनकी जो हमारी टारगेट ऑडियंस थी उनको ये फिल्म पसंद आ रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि उनको ये फिल्म पसंद आ रही है। आई थिंक ये एक ऐसी फिल्म थी, शायद वो एक ऐसा पीरियड चल रहा था कि सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, मीडिया सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और रिलीज़ के बाद भी अगर आप देखें तो डेली कोई ना कोई आर्टिकल या कुछ मीडिया कर ही रही थी कि अब फिल्म इतना बिजनेस कर रही है, अब ये रिकॉर्ड तोड़ रही है, अब ये, सो आई थिंक सारे ही खुश थे कि ये फिल्म ने इतना बड़ा बिजनेस किया, क्योंकि ये हम सबके लिए ज़रूरी था। यार मैं आई डोंट नो खुद कैसे कह सकते कि मैं स्टाइलिश हूँ, बट ऑब्वियसली फिटनेस में हूँ, प्रोफेशन वैसा है, एक्शन वाला प्रोफेशन है, और नॉर्मल कपड़े में रहता हूँ ज़्यादा, मैं शोशा करता नहीं हूँ, आता नहीं है मुझे, शायद सूट ना करे। पहली बार मैं आ रहा हूँ लोकमत अवार्ड्स में, और सो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, अंदर जाऊँगा तो पता चलेगा, अब पता नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट ईयर, मिड नेक्स्ट ईयर, स्टिल टाइम। अभी तो फिल्म थिएटर में ही है, अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ, फिल्म पूरी तरह से जब हो जाएगी कंप्लीट थिएटर से आएगा, बट वक्त लगेगा। बचपना बचपना ही है यार, मैं बड़ा हुआ ही नहीं।